नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्जिमा जिसको कि एक टॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन की एक बीमारी है जो कि लंबे समय तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है और कई तरह की कंडीशनों में जो है ये घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा किस तरह आप अपने एक्जिमा को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी में बिल्कुल ये क्योरेबल है दोस्तों। एक्जिमा क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या लक्षण मरीजों में आते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा जो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक्जिमा यानी कि एक स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि स्किन के ऊपर कुछ रैसेस आते हैं। जब ये रैसेस आते हैं तो ये रेड कलर के होते हैं और इसमें इचिंग होती है, जब इसको एरिदमा कहा जाता है। फिर जब थोड़ा पुराना जब ये हो जाता है, इसमें इचिंग करते करते व्यक्ति को कुछ दाने भी निकल आते हैं और उन दानों में फ्लूइड एक भरा हुआ होता है, तब उसको वेसिकल्स कहा जाता है। दोस्तों जब ये वेसिकल्स और भी ज़्यादा इसमें इचिंग होती है और इसमें जो है फ्लूड निकलता है, फ्लूड निकलने के बाद इसमें यदि इन्फेक्शन भी यदि हो गया है तो इसे दोस्तों पस्टुल्स कहा जाता है। तो इस तरह इसकी स्टेजें होती हैं, पूरी कंडीशन को जो है दोस्तों एक्जिमा कहा जाता है या फिर एक्टोपिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों एक्जिमा के टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक वेट एक्जिमा और एक ड्राई एक्जिमा। सबसे पहले अपन ड्राई एक्जिमा की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्जिमा शरीर में वैसे कहीं भी स्किन में हो सकता है। जो ड्राई एक्जिमा होता है ये बेसिकली सुपरफिशियल स्किन में जब होता है, जब ये तो ड्राई रहता है, इसमें किसी तरीके का फ्लूड और लिक्विड जो है डिस्चार्ज नहीं होता है। इसमें जो दाने होते हैं वो भी बेसिकली ड्राई टाइप के ही होते हैं, इसमें से कुछ फ्लूड जो है डिस्चार्ज नहीं होता है। सेवियर इचिंग होती है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुजान आती है, खुजाते खुजाते उसको कई बार ब्लड आ जाता है और ब्लड आने के बाद जो है स्किन फटने लगती है, क्रैक्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब ये केस काफ़ी पुराने हो जाते हैं तब इसमें जो है स्किन वहाँ की जो है हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है त्वचा, और उसमें साथ में जो है ब्लैकनेस, कालापन भी जो है देखने को मिलता है। दोस्तों तो इसको जो है ड्राई एक्जिमा कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है वेट एक्जिमा, यानी कि उसमें गीलापन सा रहता है इरप्शंस में, इसमें दाने बनते हैं, दाने के बाद जो है इसमें फ्लूड का डिस्चार्ज होता है जो कि वाटरी भी हो सकता है या फिर थिक और गाढ़ा लाइक शहद, इस तरह का भी जो है पीला और इस तरह का पस का डिस्चार्ज भी उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों तो दोनों की आपने पिक्चर देख ली कि वेट एक्जिमा किस टाइप का दिखता है और ड्राई एक्जिमा किस टाइप का दिखता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों में ये देखा जाता है, एक्चुअल कारण इसका क्या है। तो आइए कारणों की बात करते हैं। तो कारण दोस्तों वैसे इसका मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई ठोस कारण नहीं ज्ञात हुआ है, लेकिन क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं किन लोगों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है उनकी अपन बात करते हैं। दोस्तों ऐसा देखा गया है क्लिनिक्स में कि जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री यदि एक्जिमा की रहती है तो उनमें जो है एक्जिमा डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपके मदर फादर में या उनके मदर फादर को यदि इस तरह की एलर्जी की कोई समस्या रही हो या फिर जो है उनको स्किन की कोई बीमारी रही हो, एक्जिमा ही रहा हो, तो आपको होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर जो इसका कॉज है दोस्तों वह होता है एलर्जिक रिएक्शन। दोस्तों जो यहाँ पे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस का जो शब्द है उसका एक्टोपिक का मतलब ही दोस्तों यहाँ पर एलर्जी है। एलर्जी यानी किसी भी चीज़ से सेंसिटिविटी हो जाना, वातावरण में मौजूद धूल मिट्टी हो सकती है या किसी प्रकार के हाउस डस्ट माइट हो सकते हैं। कई कई लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों जब ये चीज़ से एलर्जी जब होती है, एलर्जिक रिएक्शन, उसके कारण भी दोस्तों एक्जिमा जो है ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है उनको स्किन में एक्जिमा डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों इसका कारण एनवायरनमेंट कारण, यानी कि वातावरण भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि कई लोगों को मौसम सूट नहीं होते हैं, सर्दी गर्मी का मौसम हो गया, उसमें ये एक्जिमा की समस्या हो सकती है। दूसरा कि किसी प्रकार के केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आने से
ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया और दीवारों के पेंट्स हो गए किसी तरह के, और दूसरे तरह के केमिकल्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, इनसे किसी प्रकार से जब एलर्जी रहती है तो उनको एक्जिमा स्किन में डेवलप होने के चांस बनते हैं। और वातावरण में जो मौजूद धूल मिट्टी से भी यदि सेंसिटिविटी हो गई है स्किन की, तो वहाँ पे धीरे धीरे एक्जिमा डेवलप हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका आपको इंतजार था, कि ऐसी क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसकी मदद से आप एक्जिमा को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें फर्स्ट नंबर जो दवाई है, जो कि सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज में उपयोग होती है होम्योपैथी में, और उसका नाम है दोस्तों सल्फर 6। दोस्तों, सल्फर एक दवाई का नाम है, 6 इसकी पोटेंसी होती है, और मैं इसको 6 पोटेंसी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसको आपको इसके मैं महत्वपूर्ण लक्षण बता देता हूँ कि किस तरह ये एक्जिमा में काम करती है, किस तरह के एक्जिमा में काम करती है। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार के एक्जिमा, यानी कि ड्राई या वेट, दोनों तरह के एक्जिमा में ये उसको क्योर कर सकती है। और एक्जिमा के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, लाइक ड्राइनेस रहना स्किन का, उसमें इचिंग का होना, रेडनेस का आना, क्रैक्स आना, फ्लेक्स झड़ना वहाँ से, और किसी तरह का कोई डिस्चार्ज भी उसमें हो रहा है, हर तरह के एक्जिमा को ये ठीक करने की क्षमता रखती है दोस्तों। बशर्ते कि इसके सिम्टम्स मैच होना चाहिए, और जो इसका एक पर्सनालिटी जो मरीज की होनी चाहिए, वो सल्फर के सिम्टम्स से जो है वो मैच होना ज़रूरी है दोस्तों। तो जो सल्फर का मरीज होता है दोस्तों, वो मीठा खाना काफ़ी पसंद करता है, और साथ साथ यदि उसका एक्जिमा इस तरह का है कि यदि उसमें वाटर के कांटेक्ट में आने से, जब वो पेशेंट नहा लेता है, नहाने के बाद खुजली पड़ जाती है, इस तरह के यदि सिम्टम्स हैं, तो आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। और सल्फर के मेंटल सिम्टम्स की बात करें, तो सल्फर का जो मरीज होता है वो बहुत बातूनी होता है, लंबी लंबी छोड़ने वाला व्यक्ति होता है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझना, और अपनी कोई उसको गलत बात भी पता है तो उसको बहुत गहराई से जो है वो, ठोस दृढ़ता से जो है वो बताता है। इस तरह का नेचर वाले व्यक्ति को सल्फर दवाई सूट करती है। सल्फर का जो मरीज है वो गंदा रहना पसंद करता है, और उसको जो है पानी से और धूप से जो है उसको एग्रावेशन होता है। ऐसे यदि मरीज में सिम्टम्स हैं तो उनको एक्जिमा के केस में सल्फर 6 दिया जाना चाहिए। सल्फर की जो डोज है, उसमें आपको 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह को, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद रात को, 3 बार जो है प्रयोग करना है, लगातार 20 से 25 दिन तक प्रयोग करना है। इसमें जो है आपका एक्जिमा लगभग लगभग ठीक हो जाएगा। सेकेंड नंबर दवाई की बात करें, वह है आर्सेनिक एल्बम 30। एक्जिमा के उस तरह के केस जो कि बिल्कुल ड्राई टाइप के एक्जिमा है, जिसमें कि इचिंग होती है और व्यक्ति खुजाते खुजाते परेशान हो जाता है, और उसको साथ साथ यदि इसमें खुजाने के बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, यदि खुजाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है, तो ऐसे मरीजों को आपको आर्सेनिक एल्बम 30 लेना चाहिए। और यदि एक्जिमा की जो साइट है, एक्जिमा की जो जगह है, सपोज आपके यहाँ पर एक्जिमा है, और यहाँ पे यदि आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, एक्जिमा के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे रिलीफ मिलता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं कि गर्म पानी से एक्जिमा में, इचिंग में, जलन में आपको रिलीफ हो रहा है, तो आपको लेना है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम 30 जो है ये पूरे शरीर पे काम करती है, स्किन स्किन में दोस्तों ये एक्जिमा को ठीक करती है, और भी कई सारी शरीर में बीमारियों को ये ठीक करती है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 का जो पेशेंट होता है, वो साफ़ सुथरा रहना काफ़ी पसंद करता है, और फास्टिडियस नेचर का होता है, उसको हर चीज़ अपने टाइम पे और एक प्रॉपर वे में चाहिए होती है। इस तरह के यदि सिम्टम्स है तो आपको लेना है आर्सेनिक एल्बम 30, 2 बूंद सुबह को, 2 दोपहर को, और 2 रात को, लगातार 20 से 25 दिन इसको भी प्रयोग करना है। यदि आपको आर्सेनिक के सिम्टम्स मिलते हैं तो आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर की जो दवाई है दोस्तों, वह है मेजेरियम 30। और मेजेरियम 30 एक पर्टिकुलर एक्जिमा और खासकर की ड्राई और वेट एक्जिमा, दोनों तरह के एक्जिमा में जो है ये उपयोगी है, और लगभग लगभग एक्जिमा के हर केस में उपयोग होने वाली ये दवाई है। दोस्तों, इसके जो प्रमुख सिम्टम हैं, इसमें यदि किसी प्रकार से इचिंग हो रही है स्किन में, और इचिंग होने के बाद जो है यदि इसमें दाने पड़ गए हैं,
दानों में से जो है फ्लड का डिस्चार्ज हो रहा है। जब व्यक्ति खुजाता है, खुजाने के बाद जो है दाने फूटते हैं, और फूटने के बाद उसमें पस का एक येलो डिस्चार्ज यदि उसमें बन गया है तो उसमें मेजेरियम आपको उपयोग करनी है, और साथ में स्किन में यदि पपड़ियाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं तो मेजेरियम 30 का प्रयोग करना है, 2 बूंद सुबह को, 2 दोपहर को, 2 रात को डायरेक्ट ऑन टन। दोस्तों जो भी मैं ये दवाइयाँ बता रहा हूँ लगभग 20 से 25 दिन आपको उपयोग करनी है, आपको पूरी तरीके से जो है इसमें एक्जिमा में आराम मिल जाएगा। दोस्तों फोर्थ नंबर जो दवाई है जिसमें कि बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली ये दवाई है, और ख़ासकर जो सर्दियों के मौसम में जिसमें एक्जिमा एग्रावेट हो जाता है, तो वो जो दोस्तों दवाई है उसका नाम है पेट्रोलियम 30। और पेट्रोलियम 30 का जो एक्जिमा होता है वो वेट होता है, और इसमें जो है स्टिकी एक डिस्चार्ज जो होता है वो थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज होता है, यानी कि इसमें ड्राइनेस रहेगी, हार्डनेस स्किन हो जाएगी, इसमें स्किन में क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो थोड़ा सा वाटरी होगा, थोड़ा सा थिन होगा। इस तरह का यदि पानी वाला डिस्चार्ज होता है और सर्दियों के मौसम में समस्याएं बढ़ जाती हैं तो इसमें आपको प्रयोग करना है पेट्रोलियम 30 का, 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। फिफ्थ नंबर जो दवाई है दोस्तों वह है ग्रेफाइटिस 30, और ग्रेफाइटिस 30 में भी लगभग लगभग पेट्रोलियम जैसे ही सिम्टम्स हैं, लेकिन जो इसका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा स्टिकी रहता है, लाइक ग्लू, शहद जैसा एक डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलेगा, और स्किन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका होगा, और हर तरह के एक्जिमा जैसे कि क्रैक्स आ रहा है उसमें और डिस्चार्ज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ईचिंग जो है उसमें हो रही है, तो आपको ग्रेफाइटिस 30 का प्रयोग करना है। दोस्तों एक लास्ट दवाई मैं आपको बता देता हूँ इसमें, वह है दोस्तों नेटरम्यूट 30। यदि आपको स्किन के फोल्ड्स ऑफ स्किन में जैसे कि जो बैंड्स ज्वाइंट होते हैं, आपने एल्बो के ज्वाइंट हो गए या आपकी नी के पीछे वाले जो ज्वाइंट लेग में हो गए, यहाँ पे यदि एक्जिमा है आपको, मोस्टली ड्राई टाइप का एक्जिमा है, पेशेंट को नमक खाने की ज़्यादा इच्छा होती है और पेशेंट थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहता है, जल्दी अपनी बात शेयर किसी से नहीं करता, इस तरह का ही नेचर है, और इस जगह पे यदि उसको एक्जिमा है, फोल्ड जो फोल्ड बनते हैं हाथ पैरों में, इस तरह की यदि एक्जिमा है और इस तरह की और भी कोई स्किन डिसीज है, उसमें दोस्तों नेटरम्यूट 30 बहुत उपयोगी दवाई है, इसको भी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को उपयोग करना है। दोस्तों सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप दवाइयाँ लेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा होम्योपैथिक दवाइयों से, और एक्जिमा पूरी तरह क्योरेबल है होम्योपैथिक दवाइयों से। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से, अपने निकट के होम्योपैथिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट लेंगे और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी क्लिनिक का पता और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुझे आगे दीजिए, मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।